हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अगेन बैक विद पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 8, बाबर, हुमायूं एंड शेरशाह। स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव सीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। इफ नॉट, डू वॉच इट। सो स्टूडेंट, टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। विल स्टार्ट पार्ट 3 विद शेरशाह सूरी। स्टूडेंट, बैटल ऑफ कन्नौज, आपने अगर पार्ट 2 देखा होगा तो आपको याद होगा कि जो बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, उस बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं की हुई थी डिफीट और जीत हुई थी किसकी, शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी के लिए ये बैटल बहुत ही डिसाइसिव था, या इंडिया के लिए बैटल बहुत डिसाइसिव था भाई साहब, क्योंकि इसके बाद शेरशाह सूरी को मिलने वाली थी दिल्ली, ठीक है, और हुमायूं को जाना था इंडिया से। तो हुमायूं यहाँ से गए, दिल्ली आ गए किसके कंट्रोल में, शेरशाह सूरी के कंट्रोल में। कब, 1540 में, आफ्टर बैटल ऑफ कन्नौज। और हुमायूं चली गए इंडिया छोड़कर बाहर, आउट ऑफ कंट्री चले गए वो, है ना। ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली का थ्रोन किसके पास आ गया, शेरशाह सूरी के पास आ गया है, और उन्होंने टाइटल लिया शेरशाह। 40 से 45 तक उन्होंने रूल किया एंड एस्टेब्लिश्ड अफगान रूल इन इंडिया। अब इंडिया में अफगान रूल एस्टेब्लिश करने वाले कौन थे बच्चा, शेरशाह सूरी। हु एस्टेब्लिश्ड अफगान रूल इन इंडिया, शेरशाह सूरी। वेन, इन 1540, आफ्टर बैटल ऑफ कन्नौज। किसको डिफीट किया था बैटल ऑफ कन्नौज में, हुमायूं को। बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं को हराया, हुमायूं कंट्री छोड़ के बाहर चले गए। एंड हु असेंडेड द थ्रोन, शेरशाह सूरी। एंड एस्टेब्लिश्ड व्हाट, अफगान रूल इन इंडिया। वेन, 1540 में। नाउ अर्ली लाइफ ऑफ होम शेरशाह। शेरशाह के पापा का नाम था हसन खान। ये एक जागीरदार थे, कहाँ के, सासाराम। ये कहाँ पर है, बिहार में एक प्लेस है सासाराम, वहाँ के जागीरदार थे हसन खान, जिनके बेटे थे शेरशाह। ओरिजिनली नेम फरीद खान, शेरशाह का ओरिजिनल नेम क्या था, फरीद खान। उन्हें बाद में टाइटल दिया गया शेर खान का, जब उन्होंने सिंगल हैंडेडली किसको किल किया, एक टाइगर को। एक टाइगर को किल करने के बाद उन्हें ये टाइटल मिला शेर खान का, जबकि उनका ओरिजिनल नेम क्या था, फरीद खान। फरीद खान या शेर खान के पापा का नाम क्या था, हसन खान। ये कौन थे, जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार थे, सासाराम इन बिहार। ही ज्वाइन द मुगल आर्मी व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया। इन्होंने मुगल आर्मी को ज्वाइन किया था कब बेटा, जब बाबर ने इन्वेड किया था इंडिया को। व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया, ही ज्वाइन मुगल आर्मी एंड लर्न द टेक्निक्स ऑफ मुगल वॉरफेयर। और यहीं से इन्होंने सीख लिया कि मुगल्स लोग कैसे युद्ध करते हैं। वॉरफेयर मतलब वॉर, है ना, इसमें वॉर मतलब वो लोग युद्ध कैसे लड़ते हैं, ठीक है बात। सो हु लर्न द वॉरफेयर टेक्निक्स फ्रॉम मुगल्स, फरीद खान। ओरिजिनल नेम फरीद खान, बाकी उन्हें किस नाम से जाना जाता है, शेर खान। क्यों, क्योंकि उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक टाइगर को किल कर दिया था। इन्होंने बाबर की आर्मी को किस रूलर के अंदर ज्वाइन किया, तो बाबर। टेकिंग एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फॉलोइंग बाबर्स डेथ, शेर खान एस्टेब्लिश्ड हिज अथॉरिटी इन बिहार एंड बंगाल। जब इन्होंने देखा कि भाई अब बाबर की डेथ हो गई है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है कहाँ पर, दिल्ली में, तो इन्होंने अपना जो रूल है वो एस्टेब्लिश किया, अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की बिहार में एंड बंगाल में। थे कौन शेर खान, अफगानी। शेरशाह बिल्कुल डिटरमिंड थे कि उन्हें मुगल्स को इंडिया से बाहर डिराइव करना है। शेरशाह वॉज डिटरमिंड टू ड्राइव आउट मुगल्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से बाहर भगाना चाहते थे वो मुगल्स को, और री एस्टेब्लिश करना चाहते थे अफगान रूल को। अब जब री एस्टेब्लिश लिखा है, इट मीन्स पहले भी कभी अफगान रूल होगा, तो पहले अफगान रूल था जो लोधी डायनेस्टी हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो अफगानी थी, ठीक है। तो अफगान रूल पहले एस्टेब्लिश हुआ लोधी डायनेस्टी के अंदर, और उसी को वापस से शेरशाह चाहते थे कि अफगान रूल फिर से इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाए, पर इसके लिए उन्हें पहले किसको भगाना पड़ता, इंडिया से मुगल्स को। ही डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज एंड ऑक्यूपाइड थ्रोन ऑफ दिल्ली। उन्होंने दो बार हुमायूं को हराया, एक बार हराया बैटल ऑफ चौसा में, और दूसरी बार हराया बैटल ऑफ कन्नौज में, और फाइनली थ्रोन असेंड कर लिया दिल्ली का 1540 में। बिटवीन 1540 से लेके 45 फाइव ईयर रूल किया हमारे शेरशाह ने। इस बीच उन्होंने मालवा जीता, राजपूताना, मुल्तान, सिंध, ये सब का कंट्रोल अब किसके पास आ गया था, शेरशाह के पास आ गया था, ठीक है बात। शेरशाह ने 1540 से
1845 तक रूल किया। इस बीच क्या क्या जीत लिया बेटा? मालवा, राजपुताना, मुल्तान, सिंध, पंजाब, इतना सब कुछ जीत लिया था। ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलिंजर इन 45 ही डाइड इन एन एक्सीडेंशियल एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर। जब वो कलिंजर को सीज करने जा रहे थे, कलिंजर को जीतने के लिए जा रहे थे 1545 में, तब एक्सीडेंशियली एक एक्सप्लोजन हुआ गन पाउडर का और यहाँ पर हो गई उनकी डेथ। ठीक है, तो एक एक्सीडेंशियल डेथ हुई शेरशाह की बाय एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर, ब्रिंगिंग टू एन एंड अ ब्रीफ बट ब्रिलियंट 5 ईयर रीन। ये जो 5 ईयर का इनका रीन था बहुत ही ब्रिलियंट था, बहुत सारे एरियाज पे कंट्रोल किया, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लाए, लोग भी हैप्पी थे इनके रीन में, मतलब कोई प्रॉब्लम लोगों को नहीं थी। विद इन अ 10 ईयर ऑफ शेरशाह डेथ, 10 ईयर ही हुए थे अभी शेरशाह की डेथ को, हुमायूं वापस आ गए इंडिया एंड रिकैप्चर दिल्ली एंड आगरा। विद इन अ 10 ईयर ऑफ शेरशाह डेथ, हुमायूं रिटर्न बैक टू इंडिया एंड रिकैप्चर अगेन व्हाट? दिल्ली एंड आगरा। नाउ वी विल टॉक अबाउट शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज वेरी नाइस, ऑसम, पीपल वर वेरी हैप्पी अबाउट शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन। शेरशाह वॉज ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजर, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर था, भले ही वो मिलिट्री की बात करें या अब हम सिविल अफेयर्स की बात करें। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इस प्रिंसिपल पे बेस करता था कि एक वेलफेयर स्टेट बनाना है जहाँ पर लोगों की भलाई कौन करेंगे? किंग करेंगे। और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, बहुत सारे रिफॉर्म सुधार भी इंट्रोड्यूस किए अपनी किंगडम में। तो ही वॉन्ट टू मेक अ वेलफेयर स्टेट वेयर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग। सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, शेरशाह वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी सुप्रीम हेड थे हमारे शेरशाह। उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ था, लाइक टूडे इन द पास्ट ही ऑल्सो डिवाइडेड द एंटायर गवर्नमेंट इंटू वेरियस डिपार्टमेंट्स। ईच डिपार्टमेंट वॉज अंडर द चार्ज ऑफ मिनिस्टर। करेंटली वी आर ऑल्सो हैविंग द सेम सिस्टम, वी हैव डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। और अभी के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं स्टूडेंट्स हैं, एस जयशंकर, मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, है ना। तो आप लोग भी देखें एक बार एस जयशंकर को, और अभी देखिए उन्होंने UNGA में कितने पॉजिटिवली हमें इम्पोज किया है, मतलब हमारे स्टैंड को रखा है दुनिया के सामने। सो बहुत सारे अभी भी मिनिस्टर हैं हमारे पास। किसका रीन था? शेरशाह का। तो उनके भी जो जितने भी डिपार्टमेंट थे उनके हर डिपार्टमेंट का हेड एक मिनिस्टर होता था एंड असिस्टेड बाय अदर ऑफिशियल्स। सी द सिंगल मिनिस्टर इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, दैट इज व्हाई ही इज असिस्टेड बाय वेरियस ऑफिसर्स। करेंटली द सेम ही अडॉप्टेड हु? शेरशाह सूरी। इन द पास्ट वेरियस मिनिस्टर्स वर देयर एंड दे वर असिस्टेड बाय वेरियस ऑफिसर्स। शेरशाह वॉज ऑलवेज वेरी एक्टिव। शेरशाह भी अपनी रीन में, अपनी किंगडम में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, वो रेगुलर टूर करता था, इंस्पेक्शन करता था, उसने एफिशिएंट सिपाही सिस्टम लगा रखा था, अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ एस्पियोनाज, वेयर ही वॉज हैविंग सम पर्सन हु इज़ डूइंग स्पाई फॉर हिम एंड मेकिंग हिम परफेक्टली इन्फॉर्म्ड अबाउट द अफेयर्स ऑफ हिज किंगडम। वो अपनी किंगडम के अफेयर्स से पूरी तरीके से अवेयर रहता था क्योंकि उसका जो स्पियोनेज सिस्टम, जो सिपाही सिस्टम था वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था। वो कंटिन्यूसली क्या करता था बच्चा? टूर पे जाता था अपनी, इंस्पेक्शन पे जाता था अपनी किंगडम में और देखता था लोग परेशान तो नहीं है। नाउ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी है, आज भी स्टेट गवर्नमेंट है, पहले भी इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो प्रोविंस लेवल पे भी था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। शेरशाह डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 47 प्रोविंसेस और सरकार्स। टुडे वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, है ना। आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग पॉलिसीज बनाती है और ये जो 28 स्टेट है इनकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी है, है ना। तो वैसे ही पहले भी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में उसने पूरे एम्पायर को 47 प्रोविंसेस और सरकार्स में डिवाइड किया था, हर प्रोविंस को फिर सब डिवाइड किया था डिस्ट्रिक्ट और परगनाज में, और हर परगना फिर डिवाइडेड था नंबर ऑफ विलेजेस में। सबसे बड़ी यूनिट प्रोविंस, सबसे बड़ा यूनिट तो सेंटर, पूरा उनका एम्पायर, एम्पायर के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेजेस, प्रोविंसेस को बोलते थे सरकार, डिस्ट्रिक्ट को परगनाज और विलेजेस, तो विलेजेस ही थे।
हर सरकार हर प्रोविंस के ऊपर एक अफगान चीफ हुआ करता था। एवरी प्रोविंस वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय अफगान चीफ। हर परगना में बहुत सारे ऑफिशल्स होते थे जिनको सुपरवाइज करते थे शिकदार ए शिकदारन। तो ये जो थे शिकदार ए शिकदारन या मुनसिफ ए मुनसिफन ये लोग सुपरवाइज करते थे ऑफिशियल्स को। ठीक है, ऑफिशियल्स के पास बहुत सारा काम था और उनको सुपरवाइज करने के लिए थे शिकदार ए शिकदार मुनसिफ ए मुनसिफन। द शिकदार वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। और शिकदार का काम क्या था, लॉ एंड ऑर्डर को देखना और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। और जो मुनसिफ थे वो देखते थे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड सिविल केसेस को देखना। रेवेन्यू कलेक्ट करना मतलब टैक्स कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुनसिफ के ऊपर। और ये जो शिकदार थे इनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। ठीक है, ये जितने भी ऑफिशियल्स थे ये पावरफुल ना बन जाए, करप्ट ना हो जाए, भ्रष्टाचार ना करने लगे, इसलिए शेरशाह ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की कि इनको वो पेरियोडिकली ट्रांसफ़र किया जाता था। इनका हर टू ईयर में ये उनको ट्रांसफ़र कर देता था सो दैट देयर विल बी नो चांस ऑफ करप्शन। और ये एक पर्टिकुलर प्लेस में बहुत पावरफुल नहीं होंगे। तो बेटा ये सेम प्रैक्टिस आज भी यूज़ होती थी। जितने भी IAS या IPS ऑफिसर होते हैं या IRS ऑफिसर होते हैं इनको भी रेगुलरली ट्रांसफ़र किया जाता है, इन्हें बहुत टाइम तक एक जगह पे नहीं रखा जाता है। सेम काम शेरशाह करते थे कि जितने भी इनके इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे वो कहीं करप्ट या ज़्यादा पावरफुल अपने आप को एक पर्टिकुलर प्रोविंस में ना बना ले, इसलिए उनके फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र किए जाते थे पेरियडिकली। ही लुक्ड इनटू एवरी डिटेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और शेरशाह भैया बहुत ही अष्टभुजाधारी थे शायद, कि वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को पर्सनली देख लेते थे। द विलेज वर लुक्ड आफ्टर बाय द पंचायत। और उस टाइप भी पंचायत थी, विलेज को देखने के लिए पंचायत था जिसमें विलेज के एल्डर्स होते थे। शेर खान इनके भी टच में रहता था थ्रू विलेज ऑफिशल्स के थ्रू। उसकी पूरा जो नज़र थी वो गांव के कामों पर भी थी, है ना। और विलेज ऑफिसर्स कौन से थे उस टाइम में भी बेटा, पटवारी हुआ करते थे जो लैंड रिकॉर्ड रखा करते थे, मुकदम्स हुआ करते थे। तो विद द हेल्प ऑफ मुकदम्स एंड पटवारीज शेर शाह कीप इन टच विद द विलेजर्स। And the smallest unit was village. The smallest unit was village which was dealt by panchayats. चलो, तो पूरी की पूरी जो एम्पायर थी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से डील होती थी, करने वाले होते थे शेरशाह। फिर प्रोविंसेस होती थी, प्रोविंसेस को बोला गया सरकार और इन सरकार के ऊपर होते थे एक अफगान चीफ। फिर डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है परगना, इसमें दो ऑफिसर्स रखे होते थे शिकदार शिकदारन और मुनसिफ मुनसिफन। एक का काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और दूसरे का काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना। फिर होता था विलेज में होते थे पंचायत जो विलेज एल्डर्स मिलके बनाते थे, और पटवारी होते थे, मुकदम्स होते थे, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे। और जिनका काम होता था किंग के साथ और विलेज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना किंग और विलेजेस के बीच में। शेरशाह को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्हीं ऑफिशियल से लेते थे। अब अगर हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक बहुत बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी किसके पास, शेरशाह के पास। उसने बहुत सारे मेजर्स लिए, डिसिप्लिन किया अपनी आर्मी को, एफिशिएंट बनाया, स्ट्रांग बनाया। शेरशाह ने आर्मी को बहुत कुछ सुधारा, अपनी आर्मी में डिसिप्लिन लेके आया, एफिशिएंट लेके आया और स्ट्रांग बनाई। वो पर्सनली इंटरेस्ट लेते थे अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने में, उनके अपॉइंटमेंट में। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के रख लिया, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग भी देते थे। जो सैलरीज होती थी सोल्जर्स की और दूसरे ऑफिसर्स की वो फिक्स होती थी उनके स्किल और एबिलिटी के अकॉर्डिंग। सैलरी वेरी करती थी, जिस बंदे में जितना ज़्यादा स्किल या एबिलिटी होगी उसको उतना ज़्यादा पे किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेज एंड मेंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर्स वर रिवाइव्ड। आर्मी को डिवाइड किया बहुत सारी यूनिट्स में और हर यूनिट को प्लेस किया अंडर अ कमांडर।
ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, मुझे लग रहा था आप लोग कर लेंगे, पर ठीक है कर देते हैं कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना इसके लास्ट वाले चैप्टर में, अलाउद्दीन खिलजी की जो मेथड थी कि वो हॉर्स को दाग देता था, मतलब उनको ब्रांडिंग कर देता था, एक लोहे से उनको गरम गरम लगा के उनकी ब्रांडिंग कर देता था, है ना। तो और सारे जितने भी सोल्जर्स होते थे उनका पूरा डिस्क्रिप्शन रखता था। इस मेथड को भी वापस से पुनर्जीवित किया गया, रिवाइव किया गया। शेरशाह को ये मेथड अच्छी लगी कि हाँ भैया हॉर्स की ब्रांडिंग होनी चाहिए, जितने भी आपके सोल्जर्स हैं उनका रिकॉर्ड रखा होना चाहिए। आर्मी छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड थी और हर यूनिट के ऊपर होता था कमांडर। गैरिसंस सेटअप किए गए एम्पायर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। गैरिसंस मतलब वो टाउन्स होते हैं जहाँ सोल्जर्स के रहने का इंतज़ाम होता है, जहाँ पर आप सोल्जर्स को रख सकते हैं। कैवलरी थी, इन्फेंट्री थी, पूरी तरह ट्रेन थी, डिसिप्लिन थी और बढ़िया इक्विपमेंट भी थे इनके पास। इक्विप्ड थी मतलब ऐसा नहीं कि इन्फेंट्री है तो उसको किसी चीज़ की कमी है या कैवलरी में किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही, वेल इक्विप्ड थी आर्मी। और आर्टिलरी भी थी, तोपें भी थी। कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो शेरशाह ने प्रॉपर नेटवर्क बनाया रोड का, जिससे कि क्विक मूवमेंट हो सके ऑफिसर्स की भी, ट्रूप्स की भी, पूरे एम्पायर में जहाँ भी ट्रूप्स की रिक्वायरमेंट आए, ऑफिशल्स की रिक्वायरमेंट आए तो इजी मूवमेंट हो सके। ट्रेड एंड कॉमर्स भी प्रमोट, अच्छा रोड नेटवर्क होगा तो ट्रेड कॉमर्स भी अच्छा होगा, ट्रैवलिंग भी लोगों के लिए ईजियर हो जाएगी, कम्फर्टेबल हो जाएगी। GT रोड जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट रोड थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जो 4 मेजर रोड्स बनाई किसने, शेरशाह ने। जो 4 मेजर रोड्स बनाई थी शेरशाह में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी GT रोड, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको आज हम GT रोड के नाम से जानते हैं। ये लॉन्गेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट थी आउट ऑफ द 4 रोड्स, 4 मेजर रोड्स बिल्ट बाय शेरशाह। या हाँ चलो ठीक है, ये कनेक्ट करती थी सोनार गांव को, बांग्लादेश का जो सोनार गांव है उसको ईस्ट में पेशावर पाकिस्तान तक। मतलब सोचो कितनी बड़ी रोड थी कि ये बांग्लादेश और फिर इंडिया, बांग्लादेश से किसको कनेक्ट कर देती थी, पाकिस्तान को। पहले तो पूरा इंडिया ही था ना, तो पाकिस्तान का पेशावर और बांग्लादेश का सुनार गांव को कनेक्ट करने वाली रोड थी ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, जो बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी आउट ऑफ द 4 रोड्स विच वॉज मेड बाय शेरशाह सूरी। कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करती थी GT रोड, बांग्लादेश के सुनार गांव से ईस्ट में पाकिस्तान के पेशावर तक। शेडी ट्री लगवा दिए थे रोडों के दोनों साइड से, रेस्ट हाउसेस बनाए जिन्हें सराय बोलते हैं, मुगल सराय सुना होगा ना आपने, रेस्ट हाउसेस सराय बना दिए, कुएं खुदवा दिए, वेल्स लगवा दिए, किसी को पानी वानी पीना हो तो पानी पी ले। देखो बहुत सारे ऐसे नहीं, जैसे इतनी बड़ी रोड है तो रोडों पर क्या लगाया गया बेटा, ट्रीज लगाए गए। रोडों पर क्या लगाया गया, दोनों साइड में ट्रीज लगाए गए और जगह जगह कुएं भी खुदवाए गए, जिससे कि अगर किसी को पानी पीना है तो वो यहाँ पर इस कुएं से पानी पी ले। मतलब और फिर हाँ, रेस्ट हाउसेस भी बनवाए गए किसके लिए, इनके जो ट्रैवलर्स थे उनके लिए। प्रॉपर रोड, ट्री का शेड, बीच में वेल्स, मतलब बहुत अच्छा वेलफेयर प्रोग्राम बहुत अच्छा था शेरशाह सूरी का। पेड़ लगवा दिए, रेस्ट हाउस बना दिए जिन्हें सराय बोला गया, वेल्स खुदवा दिए थोड़ी थोड़ी धीरे पे, वेल्स डिग करवाना मतलब कुएं खुदवा दिए। और ट्रैवलर्स और मर्चेंट इससे बहुत खुश थे कि भैया चलो हम यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो हमें पानी भी मिलेगा, सराय भी मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रोड तो है ही अच्छी। सराय वर ऑल्सो यूज एज डाक चौकी, और सराय का यूज डाक चौकीज की तरह होता था, पोस्ट हाउसेस की तरह। 2 हॉर्समैन वर कैप्ट रेडी टू ईच पोस्ट, हर पोस्ट पे 2 हाउसमैन होते थे जो रॉयल मेल को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री तक लेके जाते थे। हर डाक चौकी पे 2 घुड़सवार होते थे जो रॉयल मेल को अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री तक लेके जाते थे। सराय का यूज बेसिकली डाक चौकीज की तरह भी होता था। ट्रेड एंड कॉमर्स, बेटा जब से ये सराय बन गए थे, रोड्स बन गई थी, तो ट्रेड और कॉमर्स बढ़ गया था। ठीक है, व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स टुडे, बेसिक कम्युनिकेशन, रोड, है ना। तो रोड बन गई, सराय बन गए, तो ऑब्वियसली बात है इनका ट्रेड एंड कॉमर्स तो डेवलप होना ही था। ट्रेड को और बूस्ट करने के लिए उसने सारी ड्यूटी को एबलिश कर दिया, मतलब जितने टैक्सेस लगते थे गुड्स के ऊपर अगेन एंड अगेन, उन सबको एबलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। सिर्फ 2 ड्यूटी रहने दी, कितनी ड्यूटी रहने दी, 2, मतलब 2 टैक्सेस यू नीड टू पे और बाकी सारे टैक्सेस एबलिश।
पहली ड्यूटी लिवाई की जाती थी गुड्स पे जब वो कंट्री में लाया जाता था, एंड सेकेंड वर लिवाइड व्हेन द गुड्स वर सोल्ड। पहला जब वो कंट्री में आया, फर्स्ट ड्यूटी वॉज डिवाइड व्हेन गुड्स वर बॉट इन टू द कंट्री, कंट्री में आया, और दूसरी जब वो बिक गया। ये दो ड्यूटी पे करनी होती थी, कोई तीसरी ड्यूटी नहीं थी, कोई तीसरा टैक्स नहीं था। तीसरा, इन्होंने अपने ऑफिसर्स को समझा रखा था, इंस्ट्रक्शन दिए रखे थे कि मर्चेंट्स को बहुत अच्छी तरह डील करो, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो हमें टैक्स देते हैं, हमारे रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स है मर्चेंट, तो इनके साथ प्रॉपर बिहेव करो और हमेशा इनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के प्लान पॉलिसीज वगैरह जो भी कुछ कर रहे हो वो बनाओ। जमींदार होते थे और जो विलेज के हेडमैन होते थे उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि आप प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का काम करेंगे। जितने भी ट्रेडर्स हैं आपके रिस्पेक्टिव, आपके रीज़न के, आप जिस रीज़न में हैं, जिस जगह पर हैं, उस जगह में जितनी भी ट्रेडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ज़मींदार की और विलेज हेडमैन की। न्यू वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, शेरशाह शूर इंट्रोड्यूस न्यू वेट्स एंड मेजरमेंट। कॉइंस न्यू इंट्रोड्यूस कर दिए, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, जिनका स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म था। कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वर्स इंट्रोड्यूस। जो सिल्वर कॉइन था जो शेरशाह ने इशू किया उसको रुपया बोलते थे। वॉज सो वेल मेड दैट वॉज रिमेंड अ स्टैंडर्ड कॉइन फॉर सेंचुरीज आफ्टर ए डेट। इसको इतना अच्छे से बनाया था इन्होंने, रुपया, रुपया क्या था, सिल्वर कॉइन था, गोल्ड कॉइन था, ध्यान रखना, रुपया सिल्वर कॉइन था, और उसको इतना अच्छे से बनाया था कि बहुत टाइम तक उनके डेथ के बाद भी इसको एज इट इज़ रखा गया, स्टैंडर्ड कॉइन की तरह रखा गया। तो ये थे वो प्यारे कॉइन। शेरशाह एक फर्म बिलीवर थे जस्टिस के, कानून वगैरह सब व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तो उनके राज में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था। क्रिमिनल लॉ बहुत ही हार्श थे, पनिशमेंट बहुत ही बुरी, अगर आप क्रिमिनल हो तो भैया शेरशाह सूरी ने ऐसे ऐसे नियम बना रखे थे, ऐसे ऐसे पनिशमेंट क्लॉज थे कि आपकी आत्मा तक कांप जाए। तो ठीक है, क्रिमिनल लॉ वॉज हार्श एंड पनिशमेंट वॉज सॉफ्ट। दिस वॉज डन टू डिटर पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। और ये इतनी हार्श पनिशमेंट इसलिए रख रखी थी कि लोग क्राइम ना करें। जो विलेज हेडमैन होता था या जो लोकल चीफ्स होते थे उन्हें रिस्पॉन्सिबल बता दिया जाता था उनके एरिया के क्राइम के लिए। देखो मुझे नहीं पता, अगर आप इस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो क्राइम ए ने किया हो या बी ने किया हो, यू एज अ चीफ इज रिस्पॉन्सिबल। जिसको इस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वाले विजिलेंस हेडमैन हो, लोकल चीफ, उससे कहा जाता था ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जगह में क्राइम नहीं होना चाहिए। दे वर सबली पनिश्ड इफ दे फेल टू ट्रैक। और अगर गलती से किसी लोकल चीफ और हेडमैन के एरिया में कोई क्राइम हो जाए और वो उसको ट्रैक ना कर पाए तो पनिशमेंट किसको मिलेगी, लोकल चीफ को और हेडमैन को। ऐसा ही होना चाहिए, बढ़िया है, तभी ये लोग ज़्यादा चौकन्ने रहेंगे, चौकस रहेंगे, जिससे कि कोई क्राइम नहीं होगा। हमारी पुलिस के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए कि आपके एरिया में कोई कुछ भी हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो चलो अब पुलिस आपको सज़ा मिलेगी, तभी पुलिस अपना काम ठीक से करेगी, नहीं तो आजकल तो भगवान ही मालिक है इनका। अगर वो रॉबर को, मर्डरर को नहीं पकड़ पाए लोकल चीफ्स या विलेज हेडमैन तो बहुत ही ख़राब बात होती थी। मैंने बताया ना आपको, द मेथड शेरशाह यूज्ड फॉर हार्श एंड रूथलेस बट इफेक्टिव। बहुत रूथलेस हार्श मेथड थी पर ठीक है, इफेक्टिव थी। अभी तो क्राइम रुकेगा जब डर होगा। रेवेन्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अचीवमेंट था रेवेन्यू सिस्टम, शेरशाह सूरी की रीन का सबसे बड़ा अगर कुछ अचीवमेंट था वो तो रेवेन्यू सिस्टम। बहुत सारे रिफॉर्म किए थे उन्होंने जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू सिस्टम था उसमें। पहले तो उन्होंने लैंड को असेस करवाए, उन्होंने प्रॉपरली केयरफुल सर्वे करवाए और मेजर करवाई लैंड एवरी ईयर। ही वॉज मेड वेरी केयरफुल सर्वेज एंड मेजर लैंड एवरी ईयर। जो एवरेज प्रोड्यूस था उसको कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी। देखो किसी साल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, कभी कम होता है, फिर कभी ज़्यादा, फिर कभी कम, तो इस तरीके से उन्होंने एवरेज निकाला ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी के बेसिस पे क्या निकाला, एवरेज निकाला। अगर आप जितना भी कुछ ग्रो करते हैं उसका 1/3 आपको किसको देना है, टैक्स, भले आप कैश में दे दें या काइंड में दे दें। सपोज करो 60 क्विंटल अगर मेरे फार्म में प्रोडक्शन हुआ है वीट का, तो मुझे इसका 1/3 किसको देना पड़ेगा, किंग को, मतलब शेरशाह को। तो कितना होता है 1/3, 3 × 2 = 6, 20 क्विंटल्स मेरे पास बचेगा सिर्फ, 40 क्विंटल्स, 20 क्विंटल्स मुझे किसको देना पड़ेगा, किंग को। अब मैं ये
20 क्विंटल गेहूं दे दूं अगर वेट अकेला ही दे दूं, तो मैंने काइंड में पेमेंट किया, अगर मैं इसको सेल आउट कर दूं 20 क्विंटल्स को और फिर कैश लेके कैश किंग को दे दूं, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल थे। आई कैन पे माई टैक्स अमाउंट थ्रू कैश और काइंड। क्या बात समझ में आई? 1/3 कैसे कैलकुलेट होगा, आई गई होगी, है ना। चलिए, लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 3 टाइप, देर वर 3 कैटेगरी ऑफ लैंड, गुड बैड एंड मिडलिंग। उनकी फर्टिलिटी को देखते हुए कुछ ज़मीनें बहुत अच्छी दी, कुछ ओके दी और कुछ तो खराब। शेरशाह बहुत लीनियंट थे बेटा असेसमेंट, बट स्ट्रिक्ट इन टैक्स कलेक्शन ऑफ टैक्स। जब असेसमेंट हो रहा था तो थोड़ा उन्होंने असेसमेंट बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि बहुत स्ट्रिक्ट थे असेसमेंट में, थोड़ा चलेगा ऊपर नीचे। अगर कहीं पे उन लैंड की फर्टिलिटी बोलती है कि 100 क्विंटल्स ग्रो हो सकता है, तो उन्होंने 90 क्विंटल को भी कंसिडर किया, पर टैक्स कलेक्शन के टाइम वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, असेसमेंट के टाइम लीनियंट थे। शेरशाह इंसिस्टेंट ऑन लीनियंट असेसमेंट बट स्ट्रिक्ट टैक्स कलेक्शन। असेसमेंट भले ही थोड़ा लीनियंट हो जाए, पर टैक्स कलेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। टैक्स वर रिड्यूस्ड एंड लोन्स वर ग्रांटेड इफ द क्रॉप्स वर डैमेज। अच्छा देखो, इसको बोलते हैं किंग। दिस इज़ द क्वालिटी विच आई लाइक मोस्ट अबाउट शेरशाह सूरी। अगर किसी ईयर क्रॉप फेलियर हो जाता है किसी भी रीज़न से, भले वो रीज़न फ्लड हो, ड्रॉट हो, कोई भी रीज़न हो, देखो बाढ़ आ जाएगी तो भी फसल प्रॉपर नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा तो भी फसल नहीं होगी, तो फ्लड के टाइम पे, ड्रॉट के टाइम पे शेरशाह सूरी क्या करते थे, रिड्यूस कर देते थे टैक्स के अमाउंट को, और किसानों को खाने पीने के लिए, उनके बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए लोन भी दे देते थे। जब उनको पता चले कि यार फेमाइन आ रहा है, भुखमरी फैल गई है, तो वो लोगों को बिल्कुल लीनियंट टर्म्स पे वेरी लेस इंटरेस्ट रेट में लोन दे देते थे, और टैक्स का अमाउंट तो बिल्कुल कम कर देते थे अगर कोई ड्रॉट आ जाए, कोई फेमाइन आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, किसी भी प्रकार का डैमेज हो। तो इवन ड्यूरिंग वॉर, भले कोई नेचुरल कैलोमिटी हो या वॉर हो, नेचुरल कैलोमिटी, ड्रट हो, ड्रॉट हो, फ्लड हो, किसी के भी टाइम पे बहुत लीनियंट थे। जागीर सिस्टम को डिस्करेज किया और पट्टा सिस्टम लेके आए, टाइटल डीड। जागीर सिस्टम को डिस्करेज किया, पट्टा सिस्टम लेके आए जिसको बोलते हैं टाइटल डीड, एंड कुबूलायत और एग्रीमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। कुबूलायत और एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया, जो म्यूचुअल राइट्स से ड्यूटीज़ थी पीजेंट्स की और गवर्नमेंट की, उसको क्लियरली डिफाइन किया कि भैया किसानों के क्या राइट हैं या गवर्नमेंट के क्या राइट रहेंगे। जो कंडीशंस थी पीजेंट्स की उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ तो रॉयल ट्रेजरी भी बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर किसान खुश होगा बेटा तो खुशी खुशी काम करेगा, कल्टीवेशन बढ़ेगा, कल्टीवेशन बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ेगा तो रॉयल ट्रेजरी में ज़्यादा खजाना आएगा, है ना। कल्टीवेशन इंक्रीज एंड रॉयल ट्रेजरी वॉज अश्योर्ड ऑफ अ स्टेडी एंड रेगुलर फ्लो फंड की। अब रेगुलर फ्लो आएगा फंड का कहाँ पर, रॉयल ट्रेजरी में। शेरशाह हैड रीन फॉर ओनली 5 ईयर, 5 साल इन्होंने रूल किया, पर इस ब्रीफ पीरियड में भी एक रिमार्केबल सक्सेस उनके नाम हम लिख सकते हैं, उन्हें एक बहुत सक्सेसफुल रूलर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम बढ़िया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया, मिलिट्री में सिस्टम जितने भी इंट्रोड्यूस किए वो भी अच्छा। इवन सबसे बढ़िया कि अगर किसी नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे अगर आप टैक्स पे नहीं कर पा रहे हो तो उसको अमाउंट को कम कर दिया जाता, वेव कर दिया जाता। दिस वॉज आई लाइक मोस्ट अबाउट शेरशाह सूरी। द क्लेम टू फेम ऑफ दिस रिमार्केबल रूलर ले इन हाई स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस की, जो हाई स्टैंडर्ड थे गवर्नेंस की इस वजह से इन्हें इतना फेम मिला है। दैट ही हैड सेट एंड इज विजनरी, उसकी जो रिफॉर्म्स थे बहुत विजनरी थे, दूरदर्शी थे, जो बहुत फ्यूचर मोनार्क के लिए भी अभी भी और आने वाले और जितनी भी डेमोक्रेसीज होगी और पुराने वाले जितने राजा थे उन सब के लिए एक ब्लू प्रिंट की तरह काम किया। किसकी तरह ब्लू प्रिंट? देखो शेरशाह के बाद जितने भी रूलर आए उन्होंने भी इनके सुधारों के, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा, मतलब इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो ब्लू प्रिंट का काम किए दूसरों के लिए। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन, ओके। और कुछ सुधार अगर आप चाहते हैं तो वो भी बता दें।